चित्तौड़गढ़ विप्र फाउंडेशन ने सपोर्टरा मामले में सामाजिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विप्र फाउंडेशन का कहना है कि सपोर्टरा में हुई पुजारी की हत्या के मामले में सरकार ने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी आश्रित परिवार को मात्र 10 लाख की सहायता दी गई, जबकि दिल्ली के एक विधायक ने ही 5 लाख की सहायता दे दी। वहीं विप्र समाज फाउंडेशन की ओर से भी 2.5 लाख की सहायता दी गई। परिवार को मकान बनाने के लिए सहायता देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अन्य समाजों का मामला होता तो सरकारें परिवार को बड़ी बड़ी सहायता देती, लेकिन यह ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव सामने आया है। इसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है और मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिवार को उचित सहायता, एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। जो सपोटरा में कांड हुआ उससे सामाजिक सद्भाव में भी कमी आई है और ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में इस चीज़ की हताशा है कि हमारा जो ये दुर्घटना हुई है या ये घटनाक्रम हुआ है, इससे जितना पैसा मिलना चाहिए था, सरकार ने दूसरे मामलों में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दिए, लेकिन इस मामले को केवल 10 लाख रुपए देकर के निपटा दिया गया और काफ़ी देरी से सभी लोग पहुँचे, तो सामाजिक रूप से सभी लोगों ने इसको आहत महसूस किया है और अभी भी सभी के मन में ये है कि पूरी तरह से वहाँ पर उन लोगों के लिए जो बाकी अपराधी हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो वो सभी अपराधी गिरफ्तार हों और आगे कार्रवाई बराबर उनके साथ।